वहीं यूपी के हमीरपुर जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती भी शामिल हुई। यहां पर उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी के को लेकर कहा है कि उनकी जांच चल रही है, जांच के बाद सारी हकीकत सामने आ जाएगी। वहीं उमा भारती ने सौम्य प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर कहा कि अब वह कहीं के नहीं हैं, यहाँ से गए और हार गए, लेकिन इस बयान से सपा का राम भक्त विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। सौम्य प्रसाद मौर्य ने महज टीआरपी के चक्कर में इस तरह का बयान दिया। रानी का पूरा विषय जांच के दायरे में है, इसलिए मैं बिल्कुल टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि कल निर्मला जी का भी बयान आ गया रानी को लेकर के कि वो एक आकलन चल रहा है, तो आकलन होने दीजिए। लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ, मुझे गौतम अडानी की एक बात बहुत खराब लगी थी। अभी 5-7 दिन पहले उन्होंने कहा कि ये भारत पे हमला है। गौतम को ये भ्रम कैसे हो गया कि गौतम अडानी भारत है? गौतम अडानी भारत नहीं है, ये गौतम अडानी को ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत पे कोई हमला नहीं कर सकता।